हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग्स। तो अभी चल रहा है हमारा सहरी का टाइम, और मैंने बोला था ना कि 30 दिन व्लॉग करूँगा रमज़ान में। तो रमज़ान तो वैसे आज दूसरा है, लेकिन मैंने स्टार्ट कर दिया। कोशिश करते हैं, देखते हैं कब तक चलता है। बाकी कोशिश यही रहेगी कि पूरे रमज़ान करूँ। सहरी तो मैं सब कुछ कर चुका हूँ, अभी शायद 5 या 10 मिनट बचे हैं सहरी का टाइम ख़त्म होने में। और दूध बचा, दूध पी के नमाज़ के लिए चलते हैं। तो नमाज़ पढ़ के अभी मैं वापस आ चुका हूँ, और मस्जिद में मैंने इसलिए कोई शॉट नहीं लिया वरना फतवा लग जाता मेरे ऊपर। तो सारी लाइट्स वगैरह ऑफ हो चुकी हैं, मतलब कि सोने का टाइम हो चुका है। मैं तो वैसे भी फजर की नमाज़ के बाद ही सोता हूँ रमज़ान में, तो सोते हैं। तो इफ्तार हो चुका है हमारा, और तो सहरी के पास सीधा इफ्तार में मैं इसलिए मिल रहा हूँ क्योंकि दिन भर में नमाज़ वगैरह में सीधा जोहर के टाइम उठा, जोहर की नमाज़ पढ़ी, फिर इधर उधर टहले वहले तो टाइम हो गया, मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया उस टाइम पे। और फिर मुझे याद आया बाद में कि आप लोग भी तो बना रहा था मैं, तो मैंने दोबारा स्टार्ट कर दिया। तो अब रात को ही जाते हैं, वैसे भी दिन में तो हम कहीं जाते ही नहीं है, रोज़े में घर भर में ही रहते हैं, इधर उधर किसी के घर बैठ जाते हैं बस। अब रात में ही निकलेंगे, अब शुरू होता है हमारा दिन। जो हमारा जो रमज़ानों में दिन शुरू होता है वो रात से शुरू होता है। तो अभी मैं आया था घर के लिए लाइटें लेने के लिए, मतलब घर के बाहर लाइटें लगानी है मुझे। तो मैंने सोचा था इस बार रमज़ान में लगाऊंगा, बढ़िया लगता है, थोड़ा सा ऐसा फेस्टिवल लुक लगनी चाहिए ना रमज़ान की, कि रमज़ान चल रहे हैं। तो मैंने सोचा लेके आता हूँ लाइट, अभी घर जाके लगाएंगे। ठीक है भाई, ठीक है भाई, इंशाल्लाह भाई। चेक करके तो देख लिया, अभी से हम यहाँ टांगेंगे बाहर। फाइनली एक घंटे की मेहनत के बाद जाकर हमने काम पूरा कर लिया, आधा क्रेडिट इसको जाता है। ये देखो, अल्ट्रा वाइड में दिखाता हूँ दूर से कैसा लगा। बहुत ही प्रीमियम हो चुका है, प्रीमियम हो गया काम। तो आपको ही मेरे ख्याल में अब तो नज़र आ रहा होगा, हमने मतलब ऐसे लगाया है कि ये जो बाहर देखने का पोर्शन है उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। और अभी एक चांद और तारा और लाना है जो यहाँ लटकाऊंगा इस जगह पर, तो मज़ा आ जाए। जैसे कि हो रहा सामने चांद, ये देखो कितना बढ़िया व्यू दिख रहा है हमारी गैलरी से। अभी दिखाता हूँ पीछे से, ये देखो ये एक मिनट, ये मेरी अम्मी डैडी का रूम है, यहाँ से बैठे हुए हम पूरा, ये यहाँ से लगा हुआ है, सामने चांद दिख रहा है, एक तारा भी है साथ में। अभी हम बाहर जा रहे हैं और इससे 10 बजे ऑफिस जाना है और 12 बजे वापस आ जाएगा। तो 12 बजे के बाद हम कहीं जाएंगे कुछ खाने पीने। हमारा वार्ड चल रहा है, पता नहीं तो तेज स्टार आएंगे नहीं आएंगे। अभी मत कर, अभी मत कर, सब ट्रेन है, पूरा सब कुछ है, ओके की रिपोर्ट। भाई चले चले चले, ये देखो अभी हमें कौन मिला, ये मरने वाली है, थोड़ा ही टाइम रह रहा है इस चूहिया का, तो इसको यही रहने देते हैं। अभी यहाँ पर आकर हम बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए, मतलब टाइम वाइम पास करने के लिए। सोफे लगवा रखे हैं इसने यहाँ पर। आज से 6-7 साल पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, पहले वीडियोस बनाए थे यूट्यूब पे जब जुनेद नहीं था। ये 5 लोगों की टीम थी, हम पहले यूट्यूब पे वीडियोस बनाते थे, 10,000 व्यूज गए थे, 10,000 व्यूज बोल रहे बेचारे भाई यार, 10,000 व्यूज आज से 8 साल पहले लेकर आ गए थे हम यूट्यूब पे, जो आज भी नहीं आता मेरे। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं जामा मस्जिद के लिए, अभी इस रमजान का पहली बार ही जा रहे हैं हम, वैसे रोजा भी दूसरा ही है। तो भूख लग रही थी, कुछ खाने जा रहे हैं। और ये देखो रोड, रोड नहीं देखे होंगे आपने ऐसे, मतलब रात में। अभी हम जा रहे हैं, समीर को उठा लिया हमने, देखो अभी सो जाएगा 10 मिनट में, गेम खेल रहा अभी 10 मिनट में सो जाएगा। तो ये काम करता है, सोता और खाता है। यहाँ कोई लड़ाई वगैरह हो रही है, और लड़ाई देखने के लिए गाड़ी यहीं लगा दी हमने रोड पे, पूरा सीन देख के जाएंगे क्या हो रहा है। जरा भी नहीं मान रहे हो, जरा नहीं मान रहे हो बाबा, पूरी देख के आया हूं, सुन के आया हूं। कहाँ पहुंच गए हम, जामा नगर। मास्क की लगा लिया भाई, ये ऐसी लगा लिया, कोरोना हो रहा है। अच्छा, हम दोनों कोरोना पॉजिटिव निकले हैं तो हमने मास्क लगा लिया। जामा मस्जिद में घूम रहे हैं अभी हम, क्या खाना है भाई? बावे बिरयानी खा लेते हैं, बिरयानी। ओके, देख जुनेद अगर रेगुलर वीडियो डालेगा ना तो ही वायरल होंगी, समझ गया? कुछ दिन से वीडियो क्यों वायरल नहीं हो रही, रेगुलर नहीं डाल रहा। मेरे साथ आपने देखा होगा जुनेद को, तो ये रेगुलर डालेगा आपसे, ठीक है? चल मिलता हूँ मैं, अभी आ रहा हूँ। बिरयानी की दुकान पे इतनी भीड़ हो रही थी, हमने कहा क्या ही बोले कुछ, ब्लॉग हमने ऐसा करके ऑन करा, बंदे बोलने लगे अरे भाई वीडियो बना तो इसे भी ले लो, उसे भी ले लो। हमने कहा छोड़ो, क्या हो रहा था वो बात तो ठीक है, वो क्यों बज रहे थे चाचा? कौन से सामने तो वो लेके जा रहा, वो लेके जा रहा। भाई साहब हमें पता, कोई बात नहीं, लेके जा रहा, ध्यान दे दो। आउट एक अंकल अपने दुबले सुना रहे, कह रहे पानी की बोतल ले आते, पैसे देते नहीं है।
हमें नहीं कह रहे थे, किसी और को कह रहे थे। एक तो यार मांस जो है ना, एक पनवाड़ी से ले लिया हमने, पता नहीं मांस में से गुटके की आ रही है। मैटर हो गया बाबा, बाहर मैटर हो गया, फिर मैटर हो गया क्या? मैटर मैटर ही हो जा रहे हैं यहाँ तो। वो देखो मैटर हो गया। तो अब वापिस जा रहे हैं हम घर, घर से आ रहे हैं फोन, क्योंकि मेरी वाइफ अभी घर पे है तो इसलिए जल्दी घर जाना पड़ेगा। जल्दी तो नहीं है लेकिन रमजान के हिसाब से जल्दी है, तो जा रहे हैं हम जल्दी हो रहे हैं। और आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि हंसी आए व्लॉग में, ये देखो इसे देख के हंस लो। बहुत फनी है ये यार। आप ये क्या है, स्मार्ट है ये बहुत। इनकी खूबसूरती का राज है कबाड़े, कबाड़े की दुकान, कबाड़े की दुकान मलिक साहब है। इनकी खूबसूरती का राज है कबाड़े की दुकान। आपकी खूबसूरती का क्या राज है? ड्राइवर चेंज हो चुका है क्योंकि मुझे थोड़े से ब्लॉग के शॉट लेने, एक दो ब्लॉग में कुछ है नहीं यार। मलिक साहब के हाथ में गाड़ी दे दी है और ओपनिंग है बंद के साथ, पहली बार गियर डाला गाड़ी बंद। ओए ओए ओए, ट्रक से देख के चला, स्क्रैप में नहीं आई है। तो अभी मैं घर वापस आ चुका हूँ और टाइम शायद 4:30 बजने वाले हैं, और उसका मतलब सैरी का भी टाइम होने वाला है। उम्मीद है आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। अभी रेगुलर व्लॉगिंग करूँगा तो मुझे आदत हो जाएगी, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से व्लॉगिंग नहीं कर रहा ना, तो मुझे याद ही नहीं रहता कि व्लॉग भी बनाना है। मेरी वाइफ फ़ोन कर करके याद दिलाती मुझे। तो जल्दी ही मिलता है आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।